कराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं एक बार निर्दलीय जीत गया, आते आते 20 साल बीत गया। मैं गीत गद्दे या शायद एलो नहीं है पद्दे हैं। संख्या के आधार पे लोकतंत्र जिंदा है, संख्या के आधार पर लोकतंत्र जिंदा है। संख्या की कमी को देखकर रूपा शर्मिंदा है। भारत माँ के सच्चे लाल, लेकिन पांचवें दिन सदन का ये है हाल। वैसे सारे 200 भारत माँ के है सदन लाल। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बिंदुवार नहीं बोलकर सार गर्भित बात बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब बोलते बोलते थोड़ा वक्त देर से मिलता है तो जिस बिंदु पर हम तैयारी करते हैं हमारे कुछ माननीय सदस्य बोल देते हैं, और मुझे इस बात को लेकर मैं चिंतित रहता हूं कि बोली हुई बात को, कही हुई बात को दोबारा कहे तो शायद हम सदन का समय जाया करते हैं। मैं थोड़ी सी एक भूमिका बनाऊंगा। व्हाट इज अवर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ अवर लाइफ। डोंट वरी, आई एम नॉट ग्रेजुएट, बट व्हेन आई एम गोइंग टू स्पीक नोबडी बिलीव अबाउट माय एजुकेशन। आई एम ओनली डबली। वंस आई आस्क ए जेंटलमैन, सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, दिन है, देन ही टोल्ड मी आई एम डबल एम ए, एंड आफ्टर सम टाइम ही टोल्ड मी सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, देन आई रिप्लाई डोंट वरी यू आर डबल एम ए एंड आई एम डबल ई। He asked, what is the definition of double E? Sir, I didn't pass one time 11, so I tried second time. So, aap double M, I'm a double E, there is no more difference. Jeevan kya hai? Abhi toh shuru hua hoon. Jeevan kya hai? Jeevan ki manyatae kya hai? Jeevan jeene ka aadhaar kya hai? Ram aur Raj, ek manushya ka jeevan, राम और राज के आधार पर चलता है। कभी राम कोई किसी का, वो मारवाड़ी बोलना मना है ना यहां, किसी का राम अगर रूठ जाता है तो राज से आशाएं रखी जाती है। मैं कोशिश करूंगा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुशासित विधायक हूं। 5 दिन में पहले कभी नहीं बोला हूं, बीच में इसमें उठने वाले हमारा समय खराब कर देते हैं। या तो इनको पाबंद करो या हमको भी बीच में बोलने के लिए रजामंद करो। यहां भी जो अनुशासित है, सच्चे और अच्छे, उनका हक मारा जाता है। मैंने कभी जीवन में पुलिस ने मेरा चालान नहीं किया। बेल्ट रखता हूं, हेलमेट रखता हूं। हम जिम्मेदार है, हमारी जिम्मेदारी इसी से लोगों को पता लगता है, चाहे शहर है, चाहे गांव हो, चाहे सड़कें हो, हमें जिम्मेदार रहना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जीवन के आधार पर राम और राज को मानता हूं। राम किसी का रूठ जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय राम के किए गए कार्य को हम मनुष्य प्रभावित नहीं कर पाते हैं, राम के दिए गए परिणाम को भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में कितनी महान व्यवस्था है मनुष्य के लिए, अगर राज हमारे अनुकूल नहीं है, राज जनहित के अनुकूल नहीं है, तो हम हमारे मता द्वारा, हमारे बोर्ड द्वारा राज को बदल देते हैं। इसलिए लोकतंत्र महान है। जीवन की सार्थकता के बारे में मैंने लिखा है, शास्त्रों में दर्शाया गया है, धर्मों में दर्शाया गया है, जीवन सफल हो, सार्थक हो, स्वर्ग हो। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, एक बार मैं 94 में यूनिवर्सिटी में कह रहा था तो किसी बच्चे ने कहा नेता चोर होते हैं, तो मैंने कहा इस तरह के झूठे चोर होते हैं, मेरे गट की मैं जानू या फिर मेरा रब जाने, हमको चोर कहने वाले खुद पागल, तू मेरे मन की कब जाने। मैं ये बात कह रहा हूं कि मैंने सोचा कि जीवन सार्थक कैसे करें, हम जाए यहां से तो स्वर्ग में कैसे जाए। स्वर्ग हमारे शास्त्रों में, धर्मों में दर्शाया गया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत चिंतन किया। साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी और योगी और धनवान भी एक अच्छे और सच्चे राजनीतिज्ञ के सामने बहुत छोटे कद के लगते हैं। एक सच्चा और अच्छा जनप्रतिनिधि भगवान से बड़ा होता है, देवताओं से बड़ा होता है। एक अच्छे और सच्चे मुख्यमंत्री की वजह से, मुख्यमंत्री जी की वजह से 7 करोड़ लोगों का भला होता है, 7 करोड़ लोगों के हित की योजना बनाई जाती है। मैं पैसे वाला हूं, किसी को 2 रुपए सैकड़े में दे दूंगा, किसी को ज्ञान दे दूंगा, किसी को भाषण दे दूंगा। वैसे तो हम लोगों ने, हम माननीय विधायकों ने दिया ही दिया है, लिया क्या है? आश्वासन दिया है, विश्वास दिया है, किसी ने कभी कभी झांसा दिया है, कभी ने किसी ने धोखा दिया, हमने दिया ही दिया, लिया क्या जनता से? तो मैं जो कह रहा हूं, अगर स्वर्ग में जाना है, जीवन को सफल बनाना है, मैं तो सच कह रहा हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने शपथ ली है। आप राजनीति के माध्यम से इस दुनिया में अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जा सकते हैं। राजनीति एक साधना है, लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति साधना है, आराधना है, तपस्या है, स्वर्ग का मार्ग यही है। इसलिए मेरा मानना है कि हम जनप्रतिनिधि अपने आप को, आपके उठने से हम घबरा जाते हैं, हम विधानसभा की कार्रवाई देखने के बाद में, मैं आज 5वें दिन बोल रहा हूं, लाया तो बहुत था लेकिन थोड़ा मुंह खोल रहा हूं, क्योंकि यह भी है मैं अनुशासित हूं। आप ये कहोगे ना बैठ जा, उससे पहले बैठ जाऊंगा। अरे मैं तो कहूं आप तो खांका रखो, जब तक बैठ जाऊं मैं तो क्या समझ गया कोई इशारो नहीं आएगी। तो अगर किसी को खांसी हो तो कृपया शांत रहे। मैंने यहां की कार्रवाई देखी है, एक दूसरे पर दोषारोपण, प्रजातंत्र या लोकतंत्र में बहुत बड़ी कमी है, वो ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने विरोध, हमने पार्टियों ने तय कर लिया कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो भी हम उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे। ये प्रजातंत्र में जनहित में नहीं है। क्या कभी आप लोगों ने या कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए? क्या बीजेपी ने नहीं किए? कभी नहीं निकलता। इसका अर्थ यही है, एक दूसरे पर दोष देते हैं। जो आपने किया वही हमने किया, जो हमने किया वही आपने किया। जब भी मिला मौका खूब खाया खूब पिया, जो आपने किया वही हमने किया। जब खुद को बेगुनाह साबित करने का आया मौका, पूरा दोष एक दूसरे पर मढ़ दिया, जो आपने किया वो हमने किया। कभी खाने के लिए हमने दांत घिस लिए, कभी खाने के लिए हमने दांत घिस लिए, कभी खाने के लिए आपने दांत घिस लिए। इस दांतों की एक्सरसाइज में हमारे दांत तो मजबूत हो गए, लेकिन गरीब नागरिक और भी गरीबी से पिस लिए। यह जीवन का सार आ रहा है, जीवन मिले न मिले, मैं तो यहां तक कहता हूं हम सबको, हम रहे न रहे खुशबू हमारी राह करेगी, लोग कहें न कहें ये जमी तो कुछ कहा करेगी। जमी बोलती है आदमी के जाने के बाद, आदमी तो सिर्फ बोलता है आदमी के आने के बाद, बाहर भी आएंगे पतझड़ के जाने के बाद, कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद, कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारांश ही बोल देता हूं, सार ही बोल देता हूं। मैंने कुछ लिखा है, ए देश के नेताओं मत लूटो मेरे देश को, ए देश के नेताओं मत लूटो मेरे देश को, मत बदनाम करो खादी के भेष को, ए देश के नेताओं बेवजह किसी को शहीद मत होने दो, मेरी हस्ती खेलती बहन बेटियों को मत रोने दो। मैंने देखा है शहीदों के कफन के सौदागरों को, मैंने देखा है जिंदी लाशों के मुर्दागरों को। अब तो प्रदूषण पे, अब तो दिन में भी धुएं से सटे पड़े हैं बड़े शहर, हर खाने पीने की चीज में मिल रहा है जहर, आदमी आदमी की जिंदगी का सौदा करने लगा है। जिस दवाई से बचना है उसी से तो मरने लगा है, जिस दवाई से बचना है उसी से तो मरने लगा है। बहुत बड़ा, मेरे चोम वाले आने वाले भाई ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, आप एक भी ऐसा खाद्य और पेय पदार्थ बता दीजिए जिसमें मिलावट नहीं हो। हम इसके जिम्मेदार है कौन? हम ही है। आने वाला वक्त जैसे कैंसर जे ट्रेनें भर भर के आ रही है, डॉक्टर कहता है फल फ्रूट खाओ सलाद खाओ, अगर कोई नहीं मरने वाला है तो 5 दिन में मर जाएगा, पीड़िया हो जाएगा, हर चीज में जहर दिया हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग लालच में उलझे हुए हैं, हम दूसरे की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। मैंने
यह भी लिखा है दो लाइनें, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच, एमएलए, विधायक और मंत्री, इनकी प्रजातंत्र में जरूरत क्या है? जब सरकार के पैसे, हमारी योजना के पैसे ठेकेदार और अफसर मिलकर लगा लेंगे। तो मैंने भी इसमें हमारी चर्चा की है कि हम उसको रोकथाम करें, पारदर्शिता दिखाएं या हिस्सा डालने में। मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए, मिले फुर्सत के दो पल तो खुद को खुद ही समझ जाइए। बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए, हुकूमत करो लोगों अपने हक पर हराम की तो मत खाइए। बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। मुझे खुशी हुई माननीय हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। वैसे तो इस पुस्तक में सारी समस्या का समाधान आ गया। सुप्रीम कोर्ट की कई बार दलील आई, हाई कोर्ट की आई कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है भ्रष्टाचार, और इसमें आपने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, समझने में मेरे आई नहीं आराम से, मैंने दो बार पढ़ा, रात को दो बार उठ के पढ़ा। मैंने कहा यार टॉलरेंस भ्रष्टाचार करने के लिए है या नहीं करने के लिए, ये मेरे समझ में नहीं है। आप एक भी ऐसा विभाग बता दीजिए जो सरकारी विभाग है, सरकारी उपक्रम चल रहा है और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये हम, मुझे दुख है कि देखते हुए अंधे हैं, हमें कौन जगाएगा? जो जाग रहे हैं वो अंधे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा सुझाव है, हम लोग राजस्थान को 100 साल तक आगे विकास की ओर ले जा सकते हैं, सिर्फ 200 लोग। भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है? जब सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हैं तो ऊपर से लगाते हैं। आज हम 200 विधायक प्रण कर ले कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। इसके लिए माननीय सदस्यों में एक सुझाव भी देता हूं, आप ना जब आप कोई भ्रष्टाचार पर चर्चा हो या जांच हो, जैसे माननीय खींवसर जी एमएलए ने कहा कि उसकी जांच 3-4 बार हो गई, अरे तो भ्रष्ट की जांच भ्रष्ट कराओगे, नतीजा यही आएगा। नई टेक्नोलॉजी है, नई जमाना है, भ्रष्टाचार चाहे आरोप नेता पर लगे चाहे किसी अधिकारी पर लगे, उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाइक डिटेक्ट कीजिए ना, नार्को टेस्ट कीजिए, और अगर इसकी जरूरत पड़े तो सबसे पहला मेरा कर लीजिए। ईमानदारी में तो कोई ज्यादा आने वाला नहीं है, कोई छोटी मोटी दूसरी घटना आ सकती है। तो मेरा यही सुझाव है। दूसरा, अब मैं संक्षेप में इतना ही बोलूंगा, ऐतिहासिक धरोहर स्मारकों को रख रखाव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महापुरुष हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, उनकी गाथाएं गाई हुई है, उनके गुणों पर भी हमने दर्शाए हैं जो हमारा विचार। इस पर मैं एक कहना चाहूंगा, जैसे ऐतिहासिक स्मारक है, किले हैं, इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता, इसकी जिंदा रखने के लिए हमको राजस्थान के जयपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय बनाना चाहिए। हमारी वेशभूषा जैसे बगतरी, कुर्तियों, शापो, धीरे धीरे धोती, पजामो, इन चीज का धीरे धीरे आने वाले बच्चे नहीं समझ आज बगतरी में अट बटन जड़ी जाए वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी खेती के काम आने वाले हल, हलवाणी, ठीक इसी तरह लोक देवताओं के गाए हुए, जैसे भक्त शिरोमणि मीरा जी, कर्मा भाई, राणा भाई, अरे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, अरे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। भक्त शिरोमणि मीरा को दुनिया में जानते हैं, ठीक। कर्मा भाई हुई, उसने अपने विश्वास से, आत्मा से ईश्वर को खीचड़ा खिलवाया। आज जगन्नाथपुरी में खीचड़ा का धोक लगाया जाता है। कर्मा हमारे मकराने की थी, कालवा की, वो गायो ने कर्मा बेटी जाट की बा, ल्यावे घर भी वा ल्यावे बरे तू बाट की, तू जीम जीम नंद लाल काले खीचड़ लो। ठीक इसी तरह और भी गोगा जी, पाबू जी, देवता, ये हमारी पड़े रामदेव जी की देवता की। दूसरा, हमारे नागौर में एक देवता तेजा जी धूम मचाते हैं, आपको उस पर भी रिसर्च करना चाहिए, क्या गाया है, कैसे गाया है, कितनी ताकत से है।
अगर बुरा नहीं माने तो एक लाइन सुना दूं। अरे ना गौरी तू सुरावो धरती रा अवतारी वो सत्यवंती तू राजावो अरे लीलन रा असवारी हो हे में कोई समझता भी नहीं है। मैं भी एक लाइन जानता हूं, पूरी रात लोग गाते रहते हैं, लेकिन मैं ये आत्मा से दिल से कह रहा हूं, आपसे मेरा निवेदन है, सुझाव है, ये सारे लोक गीतों के क्षेत्र में हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवता हुए, महान पुरुष हुए, गोगा जी रामदेव जी इनके पड़ेगा, इनका एक बड़ा संग्रहालय हो, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कुर्सी है, चिंपियो है, बाट की, यही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चूल्लो है, ये कम से कम 1000 नाव मैं इसमें पीएचडी करने की सोच रहा हूं, ये सच्चाई है। तो मैं इसी आशा के साथ मैं पुरजोर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी सारी स्थिति इसमें है। एक बात बताऊं माननीय अध्यक्ष महोदय, टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर अगर विचार हो जाएगा तो फिर राजस्थान में समस्या ही खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं हमने इतना खर्च कर दिया, हमने इतना बजट दिया, ये नहीं कहते हमने खा कितना लिया है। एक माननीय हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, सॉरी मंत्री जी पहले वाले कह रहे थे, हमने स्कूल बनाए, सड़क बनाई, अस्पताल बनाए, तो मैंने कहा हो सकता है, इस जनता को देखो, इसने कहीं ऐसे सड़क से आपको एमएलए को और मंत्री बना दिया, वो करें हमने सड़क बनाई, पैसे आपके थे, लाए कितने है? जिस दिन, मैं तो ये कह रहा हूं, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा, इसी जीवन में जो कुछ करना है कर लो, हो सकता है मेरी बातें सुनकर कुछ मुझे पागल घोषित कर दे, क्योंकि जो जमाने में ज्यादा जो जिनकी आत्मीयता ईश्वर से रही है वो पागलों जैसी हरकत करते हैं। कुल मिला के मुझे भी जमाने में सब पागल नजर आते हैं, कोई लूट कर पागल, कोई लुटाकर, कोई पीट कर, कोई पिटाकर, कोई खाकर, कोई खिलाकर, कोई हंसकर, कोई रुला हंसाकर, कोई रोकर, कोई रुलाकर, सब जमाने में पागल है। अगर आपने यहां लूट लिया तो आगे लुटने वाले, यहां लुट गए तो फिर आगे आप वापस लुट लोगे। या तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हटा लें हम, या आस्तिक बन के जिए। नो सर, आई एम 65 इयर्स ओल्ड, आई एम रेगुलर ऑफ फुटबॉल प्लेयर, नोबडी बिलीव अबाउट माय गेम्स व्हेन आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल इन माय ग्राउंड। जातवाद की बात करते हो, मेरी फुटबॉल टीम में 45 साल से चला रहा हूं, सारे अल्पसंख्यक है, मैं और मेरा भाई को छोड़ के, मेरे बेटी का नाम बिस्मिल्ला है, सबसे नजदीक दोस्त मेरा मुसलमान है, फिर भी मैं कह रहा हूं देश के नेताओं मातृभूमि का ध्यान रखो, उसी देश उसी का है जो मातृभूमि का प्यार करता है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, दूसरा किसानों के बारे में 2 मिनट बोलूं, कितना बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब 200-300 बीघा जमीन लेर पांच आदमियों की मीटिंग या कमेटी गठित हो जाती है। आज हिंदुस्तान में धीरे धीरे किसान, आप, मैं तो किसान हूं, मैं, मुझे 5 पैसे मिले हुए हैं, गाड़ी ढंग की लाता हूं मैं, तो तुलना करते हैं कि रूप जी किसान है, मैं किसान कहां से हूं, मैं तो पत्थर का व्यापार करता हूं। किसानों की मैं आत्मा से कह रहा हूं, इस देश का किसान जब टूट जाएगा तो ईश्वर हमसे रूठ जाएगा। बिजली के बारे में इतना ही कहता हूं, एक किसान जब बिजली पैदा करता है या किसान जब फसल पैदा करता है और बिजली के तार को बिना कनेक्शन जोड़कर मोटर चला के अपने बच्चों को पालता है, इस देश को पालता है, उसको चोर मत कहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। झूठ कपट बेईमानी और मान सम्मान और अय्याशी के लिए अरबों करोड़ कमाने वाले लोग वो झूठे हो सकते हैं, वो बेईमान हो सकते हैं। हमारी मेडिकल में एक प्रावधान है, आपको पता है माननीय मंत्री मेडिकल वाला, मेडिकल में प्रावधान है, जब आदमी ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन दे दी जाइए, उसको वेंटिलेटर पे लेटा दिया जाता है। तो किसान अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अगर तार जोड़कर बिजली पैदा करता है तो चोर नहीं हो सकता वो। तो अब जब अधिकारों का हनन होता है आदमी का, तो मनुष्य खुद अपराध की तरफ चला जाता है। इसी आशा के साथ में आपने मुझे समय दिया, और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मेरे कोई और भी आगे हैं, जैसे खेलकूद के बारे में है, कई समस्याएं हैं, ये रख रखाव के बारे में है, भजनों के बारे में है,
आपसे, आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपसे आशा रखता हूँ, अभी शुरुआत हुई है, मेरा हौसला बढ़ाते रहना। और मैं तो ये तो बार बार कहूंगा कि जब ये साफ दिख रहा है साहब, आप मेरे में फर्क क्या है? कल आप बैठे थे, हम जिस चीज के जोर मार के चिल्ला रहे थे आज उसी के लिए, कल आप जिस चीज को जोर से लेकर कह रहे थे ये करो ये करो, हम आज ये कह रहे हैं, कहीं ये नूरा कुश्ती की कार्रवाई न साबित हो जाए हमारी विधानसभा, मैच फिक्सिंग की साबित नहीं हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं, ये सदन है, राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा न्यायालय है, यहां राजस्थान के सभी लोगों का भविष्य तय होता है। इसी आशा के साथ में धन्यवाद। खुशवीर सिंह।